दोस्तों नमस्कार, मैं एलएन सतपथी आपका दोस्त मोटिवेशनल ट्रेनर लाइफ कोच आज आपके सामने एक नया वीडियो लेके हाजिर हुआ हूँ। आज का वीडियो का टॉपिक है आपका इंटेंशन ही आपका इनकम बढ़ा देगा। ये चलते हैं कैसे हैं। एक LIC एजेंट ज़्यादातर होता क्या है, एक LIC एजेंट जब घर से निकलता है पति का घर को जाने के लिए, जाने के टाइम पे ये सोच के साथ घर से निकलता है कि पति को आज मैं जीवन लाभ बताऊंगा या पति को मैं आज जीवन आनंद बताऊंगा। ऐसे जाके बताता है और दो बार, चार बार, पांच बार, छह बार उसको फॉलोअप देने के बाद पति तो मजबूरी में पॉलिसी ले तो लेता है, मगर पति कंटिन्यू करता नहीं है। क्यों करता नहीं है? क्योंकि उसको पॉलिसी की जरूरत नहीं था, ये पॉलिसी बेचने को आपकी जरूरत था। आप बेच दिया, वो मजबूर होकर खरीद लिया। वो क्या करता है, 3 साल तक उसको चलाता रहता है, वो 3 साल जब खत्म हो जाता है उसको बंद कर देता है। जब बंद कर देता है उसमें LIC एजेंट को भी लॉस होता है और अपना कॉर्पोरेशन को भी नुकसान होता है, ये दोनों का लॉस होता है। इसमें करना क्या है, आपका इंटेंशन को बदल दीजिए। घर पे ये सोच के मत जाइए कि उसको क्या पॉलिसी देंगे, घर से ये सोच के साथ जाइए पार्टी को जो जरूरत है वही पॉलिसी में दूंगा। जो जरूरत है उसको क्या जरूरत है आपको पता नहीं, जब जो जरूरत के हिसाब से जब आप उसको पॉलिसी देंगे क्या होगा, पार्टी का और आपका माइंड मैचिंग करेगा, फ्रीक्वेंसी मैच करेगा। जैसे रेडियो में पहले रेडियो सीलो लगाने के टाइम पर जब तक फ्रीक्वेंसी मैच नहीं करता था तो वो रेडियो पे हम सुन नहीं पाते थे, ऐसा आपका फ्रीक्वेंसी भी मैच करे। वो एक बार फ्रीक्वेंसी मैच करिए, पार्टी ये सोचने लगेगा अरे ये तो मेरी जरूरत के हिसाब से बोल रहा है, तभी वो क्लोजिंग रेशियो भी बढ़ेगा और कंटिन्यू भी चलेगा, वो पॉलिसी कभी बंद नहीं होगा। अगर वो उसका बच्चा है जीवन तरुण दूंगा, नहीं तो जीवन लक्ष्य दूंगा। अगर उसको पेंशन चाहिए तो जीवन उमंग दूंगा, नहीं तो उत्सव दूंगा। अगर वो असेट क्रिएशन करना है उसको तो जीवन लाभ दूंगा। तो उसका जरूरत के हिसाब से दीजिए। मगर सबसे बड़ा बात ये है, आपको ये कैसे मालूम होगा कि उसकी जरूरत क्या है, मालूम हो सकता है। इसके लिए क्या करना पड़ेगा कि आपको ज्यादा से ज्यादा प्रश्न पूछना पड़ेगा। जितना ज्यादा प्रश्न पूछेंगे उसमें से आपको पता चल जाएगा कि उसका जरूरत क्या है। और जो प्रश्न आप पूछेंगे अपने साथ में आपका नाम का लेटर पैड लेके जाइए, वो उसमें लिखते जाइए, लिखते जाइए, लिखते जाइए। जैसे आप उसका नाम पूछा, नाम लिखा, उसका बाद में उसका उम्र, उसका फैमिली डिटेल्स, ये सब जब पूछते जाएंगे, उसका एनुअल इनकम, कितना पॉलिसी अभी तक किया है, कितना बंद हो चुका है, कितना चला रहा है, सब जब लिखते जाएंगे, जैसे डॉक्टर किसी को दवाई देने से पहले अपने प्रेस्क्रिप्शन के ऊपर सारे के सारे इन्फॉर्मेशन लिखता है, आप ऐसे लिखिए। क्योंकि बेशक आप भी एक डॉक्टर हो, आप एक फाइनेंशियल डॉक्टर हो और आपका पार्टी एक फाइनेंशियल पेशेंट है और उसकी फाइनेंशियल हेल्थ आपको ठीक करना है। अगर उसका फाइनेंशियल हेल्थ ठीक करना है तो उसके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी आपको प्राप्त करना पड़ेगा, उसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न पूछना पड़ेगा। जितना ज़्यादा प्रश्न पूछेंगे उतना ज़्यादा आपको आसान हो जाएगा उसको सही प्रोडक्ट प्रिस्क्राइब करने के लिए। और सबसे बड़ी बात क्या है, आपका पॉलिसी जरूर क्लोज होगा और जो पॉलिसी उसका बाद में वो आपसे करेगा वो पॉलिसी कभी भी डिसकंटिन्यू नहीं होगा। और पॉलिसी अगर डिसकंटिन्यू नहीं होता है तो आपका भी इनकम बढ़ता जाएगा, आपका इनकम कभी घटेगा नहीं। तो याद रखिए, आज से आपका इंटेंशन को बदल दीजिए। घर से निकलने के टाइम पे कभी भी मत सोचिए मैं आज ये पॉलिसी दूंगा, वो पॉलिसी दूंगा, नहीं, मैं उसका जो जरूरत है वही दूंगा। वो पॉलिसी बेचने के मेरे को खुद का जरूरत के हिसाब से नहीं दूंगा, उसकी जरूरत के हिसाब से दूंगा। एक इंटेंशन आप बदल के जाइए, उसका बाद में आप चमत्कार देखिए, आप 1 महीने में भी एक सेंचुरियन बन सकते हैं। और इट हैज बीन प्रूव्ड, ये प्रूव हो चुका है।
थैंक यू दोस्त। और मेरा ये वीडियो कैसे लगा जरूर मेरे को कमेंट बॉक्स में लिखिए, और मेरा वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। बहुत जल्द मैं फिर दूसरे वीडियो लेकर आपके सामने हाजिर हो जाऊँगा। तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू।